पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लुधियाना में 7 करोड़ से अधिक की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। देर रात 2 बजे 10 बदमाश हथियार लेकर राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली सीएमएस सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में घुसे। यहां तैनात 5 सिक्योरिटी गार्डों को उन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद तिजोरी के बाहर रखा 4 करोड़ कैश और ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी ले गए। इस गाड़ी में 3 करोड़ से अधिक कैश था और इसके साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। बदमाशों के जाने के बाद कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के अलर्ट होने के बाद बदमाश गाड़ी को मुल्लापुर के पास छोड़कर फरार हो गए। इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गाड़ी से 2 पिस्टल भी मिले हैं जबकि कैश गायब है।